आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। सलाउद्दीन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर हर तरह से मदद देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान अगर मदद करे तो भारत से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीरी की वजह से आज तक तो तीन जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। सलाउद्दीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी कश्मीर मुद्दे से मुंह मोड़ लिया है और अब कश्मीर मुद्दे पर जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा में आज जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। इस विधेयक पर होने वाली चर्चा में आज पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा से बिल पहले ही 11 संशोधनों के साथ पास हो चुका है। उम्मीद है कि आज जीएसटी को संसद की मंजूरी मिल जाएगी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पीएम मोदी ने दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी को अगर गोली चलानी है तो उन पर चलाए, दलितों पर नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो प्यार करना है तो मुझसे करिए, मेरे गरीब भाइयों पर प्यार करना बंद कर दीजिए। तेलंगाना में पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार नकली गौरक्षकों पर कड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो लोग हिंदुस्तान की एकता के बात पर परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में इससे पहले मोदी ने दिल्ली में टाउन हॉल में गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी। फर्जी गौरक्षकों और दलित उत्पीड़न पर पीएम मोदी के बयान को मायावती ने महज दिखावा करार दिया है। मायावती ने कहा कि गौरक्षा का गोरखधंधा बीजेपी के राज्यों में ही चल रहा है और ऊना में दलित हिंसा पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा मोदी समझ चुके हैं कि गाय दूध देती है, वोट नहीं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि मोदी बैकफुट पर हैं। Now the Prime Minister speaks about it. We hope that it will lead to walk the talk because his talk of pink revolution, his respective governments making such stringent laws and seeing losing political ground in Gujarat must have forced the Prime Minister to make that statement. इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल की खबर जी न्यूज़ पर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एमए कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक जियाउल हक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस स्कूल में पिछले 12 साल से राष्ट्रगान पर पाबंदी है क्योंकि स्कूल प्रबंधक के मुताबिक राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां इस्लाम के खिलाफ हैं। पंजाब में नशे का मुद्दा उठाने वाली आम आदमी पार्टी खुद सवालों में है। खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब के 58 नए ठेके खोले हैं जिससे सरकार को 15 अरब का मुनाफा हुआ है, जबकि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च किए। ये खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी के जरिए स्वराज अभियान ने किया है। या तो जिसको ठेका देना चाहते हैं उसका दबाव इतना ज्यादा है या शराब से पैसा कमाने का दबाव इतना ज्यादा है कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है, स्थानीय लोगों का विरोध है, उसको भी पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाए। स्वराज अभियान का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ जगहों पर शराब के ठेके लोगों के विरोध के बावजूद खोले हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के कैबिनेट की आज पहली बैठक है जिसमें सरकार की आगे की रणनीति तय होगी। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी होगा। रविवार को मुख्यमंत्री रूपानी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत 25 सदस्य मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती को चुनौती दी है कि वो उनकी पत्नी स्वाति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं।
मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह ने मऊ जेल से रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती को चुनौती दी। जिस तरह से लोकसभा के अंदर वोट के बदले नोट दिया गया और उसमें बहुत सारे नेता जेल के शिकंजे के अंदर गए थे, मैं तो मांग करता हूं आपसे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और पता चल जाएगा कि मायावती जी कितने टिकट बेचती हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा में अर्धकुंवारी से मुख्य भवन तक शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रा पर रोक लगाई गई है। शाम 5 बजे के बाद कटरा से आगे की यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन भी 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। ये फैसला खराब मौसम और शुक्रवार रात हुए हादसे को देखते हुए उठाया गया है। शुक्रवार रात अर्धकुंवारी में चट्टान खिसकने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।